रुक जा, रुको। यही वो तालाब है जहाँ पर सरकारी, यही वो तालाब में देख सकते हैं किस तरह सरकारी अधिकारियों द्वारा, सर ये जी सर गेट क्यों बंद किया जा रही, तो इन लोग पर्सनल मुद्दा है ना सर, शांति से बात कीजिए ना, शांति से इन लोग तो सर हाईकोर्ट से भी तो यह अप्रूव मिल गया है, बात होगा ना भाई, ये मामला कब से चल रहा पता आपको, अभी आपको पता चल रहा क्या? आज मंत्री का पैर भी लग जा रहे हैं, मैडम के यहाँ गए थे, काबलू से बात हुआ है, मैडम से वही तो इन्वॉल्व है, मैडम इन्वॉल्व है क्या इसमें, उससे हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है हम लोग डायरेक्ट बन्ना गुप्ता जी से बात करेंगे, मैडम इन्वॉल्व है, यहाँ पर आगे एसडीओ आ रहे हैं, वार्ता के लिए आए हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है बनेंगे, कानून का हम लोग सम्मान करते हैं, इसको कीजिए उसके बाद हम बुला रहे हैं, एसडीओ सर को बुला रहे हैं, निजी जमीन में किस तरह इस तरह तो आ गई, सर निजी जमीन में तो इस तरह काम नहीं होना चाहिए, तो सर आप भी तो आए थे यहाँ पर, कुछ तो आप बोल सकते हैं ना, आपको किसी माध्यम से बुलाया गया, आपको तो कुछ होगा सर, सुनिए ये पदाधिकारी के पास पेंडिंग आवेदन है, बात हुई थी तो बोले थे कि छठ के बाद जो सब कर लेंगे, जी देख सकते हैं, देखिए जिसका जिन लोगों का जमीन है, जिनका जमीन है ये इनका दावा है कि ये जो पर्सनल जमीन है इनका, जो अपना निजी जमीन है उसमें सरकार और आस्था का कोई हम रोक धाम नहीं करे, पूजा आइए पूजा कीजिए, आपका स्वागत है, हमें अनिता महतो जोहर, गणेश चंद्र महतो का जमीन है, मेरा जमीन में हमको घुसने नहीं दिया जाता है, पूजा और आस्था के नाम पे देखिए दो ठो रूम बनाया है जो मंत्री जी को सहयोग से बना है, जिसको के द्वारा उनके जो लोग हैं वहाँ आते हैं, ताश खेलते हैं, अड्डा मारते हैं, दारू पीते हैं, ये वाला रूम में आप अभी भी खोल के देख सकते हैं जी, जिसका गणेश जो क्या नाम बोले उनका निजी जमीन है, आइए और एक चीज दिखाते हैं, देखिए जिस तरह से ये जमीन अपना दिखा रही है कि इनका दावा है कि ये हमारा निजी जमीन है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर सरकार द्वारा गलत तरीके से यहाँ पर निर्माण किया गया है, ये तालाब को सौंदर्यीकरण किया गया है, मालकुड़ी जहाँ से यहाँ पानी भरना नहीं पड़ता है वहाँ पूजा पाठ होता है, वो अपने से माने पानी स्रोत होता था, लेकिन इनको मंत्री जी जिसको के द्वारा बंद कर दिए हैं, वहीं पे फुहारा लगा रहे हैं और कल उद्घाटन करने वाले हैं, मंत्री जी की हमको पूछे थे, हम व्रतधारी बोलते हैं वहाँ फुहारा लगाने के लिए, वो तो खाली आते हैं पूजा करने, पूजा करके चल जाते, व्रतधारी से हमको कोई शिकायत नहीं है, पूजा और आस्था से भी हमको कोई शिकायत नहीं, आइए पूजा कीजिए, पूजिए मेरा तालाब है, आपका स्वागत हम करते हैं, लेकिन मंत्री जी का बैनर मेरा जमीन में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो मतलब
किसको पूछ के जिसको बाउंड्री वॉल देखिए नया है बाउंड्री वॉल किया देखिए मेरा ताला में वो कैसे बाउंड्री वॉल किया उससे हम जवाब चाहते हैं। जिसको ऑफिसर को बुलाइए मंत्री जी को भी बुलाइए। मतलब आपको कोई प्रशासन से कोई गिला सिक्का नहीं है? देखिए देखिए मेरे पास पेपर है सबके पास आवेदन दिए हैं कोई मेरा बात नहीं सुना। एसडीओ साहब बोले कि जाइए छत पर बैनर लग रहा है तो क्या हुआ उठा देंगे ना। अरे मेरा निजी संपत्ति है प्राइवेट संपत्ति काहे लगने देंगे भाई मंत्री जी के उनका संपत्ति में मेरा बैनर लगने देंगे क्या। मेरा पापा का जमीन है मेरा पापा का बैनर लगेगा जो भी लगेगा मंत्री जी का क्यों लगेगा वो स्वास्थ्य मंत्री है मेरा निजी संपत्ति में घुसने का अधिकार उनका नहीं है। मतलब मंत्री जी जानते हैं कि नहीं कि हम सिखा है स्वास्थ्य मंत्री वो कैसे बन गए हैं। मतलब ये जो जितना तालाब बताया जा रहा है ये पूरा आप ही का जमीन है। अरे देखिए सब घर बनाए हैं आप देख सकते हैं पूरा थाना सुनिए थाना को हम आवेदन दिए थे थाना तब कहाँ था थाना मेरा बात नहीं सुना अभी थाना आया है हमको रोक रहा है गेट बंद कर रहा है मेरा निजी संपत्ति में वो गेट बंद करने वाला थाना प्रभारी कौन है। मतलब आप पहले थाना को नोटिस दिए थे कैसा ऐसा हो रहा बोल के आपका डीसी को दिया गया है देखिए उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को दिया गया है डेट भी पूरा मेंशन किया हुआ देखिए कब दिया गया 11/11/2023 को दिया गया है ठीक है इसमें पूरा पूरी लिखा हुआ देखिए सेकंड पेज में लिखा हुआ है 23 में भी दिया मेरा बात कोई नहीं सुनता है। उच्च न्यायालय से इनको आदेश दिया कि इसका पति इनका पापा का नाम पे जमीन है ठीक है पूरा हाईकोर्ट का आदेश है देखिए पूरा आप देख सकते हैं मंत्री जी को हम बोलना चाह रहे हैं प्रेस के माध्यम से कि वहाँ फव्वारा नहीं लगेगा कोई उद्घाटन नहीं होगा मेरा हम आदेश दिए हैं क्या मंत्री को वहाँ फव्वारा लगाने मेरा तालाब है निजी तालाब सरकारी जमीन नहीं है ये वाला। उद्घाटन का क्या बात है उद्घाटन मंत्री जी देखिए वहाँ पे फव्वारा लगाए हैं उद्घाटन कल करने वाले हैं। मतलब ये निजी जमीन हो के वो लोग धीरे धीरे मतलब सरकार को मंत्री मेरा जमीन में घुस गए हैं बोलिए हमसे पूछे हैं उनको बोलिए पूछिए मेरे पास पेपर है उनके पास क्या पेपर है। यदि आपको फुवारा लगाना है लेकिन इसे पूछ लीजिए ये इनका आदेश है यदि रहेगा तो लगाइए ना सर क्या भाई मेरा तो? मेरा भी पूजा पाठ होता है और जो दाढ़ी कुदरा का पूजा करते हैं यहाँ पे आप ही पूजा नहीं करते हैं हम ही पूजा करते हैं किसको बोल के छठ घाट बनाए हैं छठ घाट नाम दे दिया है मेरा परमिशन लिए थे मंत्री जी मेरा निजी संपत्ति में हाँ मंत्री जी का अधिकार है स्वतंत्र मंत्री कैसे बने हो मेरा निजी संपत्ति में घुस जाता है हर साल हमको परेशान किया 3 साल से हम परेशान है। मतलब कहीं ना कहीं तालाब को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सुनिए पुलिस प्रशासन नेता मंत्री मेरा कोई बात नहीं सुनता है सब अपना कुर्सी के पीछे भागता है। अभी हम चलन के माध्यम से ये बता रहे हैं हमारे महातो आदिवासी जो नेता है देखिए झारखंड किस लिए बना निर्मालदा का जो जन्म स्थान है उलियान वहीं पे जमीन लूट रहा तो और क्या हो सकता है सोचिए आदिवासी मूलवासियों का जमीन लूटा जा रहा है झारखंड सरकार में बिहार तो जब छोड़िए बिहार में तो हो ही रहा था झारखंड इसलिए बना था निर्मलदा इसीलिए अपना बलिदान दिए थे सुनील दा अपना बलिदान दिए थे वही पूछना चाहते हैं हम मुख्यमंत्री से भी हम बोल रहे हैं। देखिए आपका सरकार में क्या क्या हो रहा है देखिए मुख्यमंत्री जी आपका सरकार में क्या क्या हो रहा है मूल आदिवासियों का जमीन छीना रहा जा रहा है आपके सहयोग ये जो मंत्री बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री जिसको आप बनाए हैं वो मेरा जमीन लूट रहा है झारखंडियों का जमीन लूट रहा है मूल आदिवासी जो रैयतदार है यहाँ का सोचिए आम आदमी का क्या होगा। तो सुनिए स्वास्थ्य मंत्री ना यूपी बिहार से वोट लेके नहीं आए थे हम लोग वोट दिए हैं तभी वो जीते हैं ये उसको सोचना चाहिए यूपी बिहार से वोट लाए हैं क्या हाँ मथुरा से लाए हैं वोट हम भी जानते हैं वोट हम दिए तभी वो इसीलिए जिताए थे कि कुर्सी पे बैठेंगे और एक दिन आके मेरा ही जमीन लूट लेंगे और बाकी और चर्चा करेंगे। देख सकते हैं ये जो तालाब दिख रहे जो आप पूरा तालाब देख रहे हैं ये तालाब किसी मतलब निजी जमीन है नाम तो मैं मुझे याद नहीं आपको नाम नहीं बता पाऊंगा नाम आपको कागज में आपको जो मैं वीडियो में दिखा दूंगा इनका जो इसका दस्तावेज जमीन के जो दस्तावेज है वो आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा। ये देख सकते हैं ये पूरा जमीन जो है किसी निजी आदमी का है ठीक है किसी एक व्यक्ति का है लेकिन ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ रंगों से भर दिया गया है जो दीवार जो ईंट के जो दीवार उठा दिए गए हैं ये जो जिसके जमीन है उससे विदाउट परमिशन ये सब काम किए जा रहे हैं और भी कुछ जिस तरह से ये बन्ना गुप्ता का नाम लिया जा रहा है उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि वो इस जमीन को वही कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे लेके और जो जिसका ये जमीन है उनका दावा है कि उनको कोई भी पहले नोटिस नहीं दिया गया जानकारी नहीं दी गई और ये जमीन में जिस तरह से काम कार्य किया जा रहा है और भी आगे वीडियो आपको दिखाएंगे आगे में वीडियो में बने रहिए।